ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के नाम पर महाराष्ट्र में 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। छानबीन के लिए महाराष्ट्र पुलिस आजमनगर पहुंची है। दरअसल महाराष्ट्र के औथुतवाड़ी में एक हार्डवेयर व्यवसायी को साइबर क्राइम का शिकार बनाया गया है। व्यवसायी से ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। मामला जब पुलिस के पास गया तो पुलिस हरकत में आई। महाराष्ट्र पुलिस आजमनगर थाना पहुंच गई। स्थानीय पुलिस की मदद से महाराष्ट्र पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित व्यवसायी के अनुसार ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के नाम पर उन्हें व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा गया और उन्हें इस लिंक पर अपनी डिटेल दर्ज करने को कहा गया, जिसके बाद उनके खाते से 10 लाख रुपए उड़ा लिए गए। ये महाराष्ट्र औधुतवाड़ी पुलिस थाना जिला यवतमाल यहाँ के क्राइम नंबर 1093/2021 का कंप्लेंट असद बॉम्बे वाला, इन्होंने कंप्लेंट दिए। इनके ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के नाम पर इन लोगों ने उनको लिंक भेजकर उनके 10,000 रुपये के उनके साथ 10 लाख रुपए के इनके साथ में धोखाधड़ी करके इनके अकाउंट से पैसे उठाए। इस तफ्तीश हेतु इनके जो डेटा मिला है, डिजिटल डेटा, उसके आधार पर यहाँ पे आजमनगर थाना के हद्दी में रहते थे, इनका एड्रेस मिला और डिजिटल डेटा एनालिसिस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके तहत ये लोगों को इंक्वायरी के लिए कस्टडी में लेके उसके बाद में पूछताछ करने पता चला है इन लोगों ने ये कोई और साथीदारों को मिल के कि 10 लाख रुपए कंप्लेंट के खाते से उठाए। इसमें और भी कई लोग शामिल है, जैसे कि अदर स्टेट से भी हो सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हो सकते हैं बिहार के, उनका इन्वेस्टिगेशन करना अभी बाकी है। इनको ट्रांजिट रिमांड के लिए कटिहार पेश करेंगे, उसके बाद में ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद महाराष्ट्र औधुतवाड़ी पुलिस स्टेशन जिला यवतमाल में लेके जाएंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन और महाराष्ट्र जाके पुलिस कस्टडी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को कटिहार कोर्ट में पेशी के बाद महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। टाइम्स न्यूज भी आपको ठगी से सतर्क रहने की हिदायत देता है। बैंकिंग के मामलों में समझदारी दिखाएं और सुरक्षित रहें। जयप्रकाश भगत, टाइम्स न्यूज, आजमनगर।